बचपन, पचपन और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलमबरदार, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। साइन नहीं किया हो तो बरा मेहरबान उस पर साइन कर दें, हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड रहता है। मैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर मालूम दी गई, उसमें एक बात आती है कि बैंक जो अकाउंट खोलना है उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं और हमारे बहुत सारे तजुर्बा हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट का जो है जीआर निकलने के बाद ये कहा गया कि जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला जाएगा, उसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की। तमाम बैंक जो है बैंक के उनके जो मैनेजर हैं उनकी मीटिंग मिली गई, उनको भी बुलाया गया और उनमें से जो नहीं आया उन्हें जो शिकायत पे हमने ऊपर की और उनके साथ जो एक्शन लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो थी बैंक के ताल्लुक से, सर जो है अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर जो है वो काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, इसके ताल्लुक से मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि बैंक अकाउंट जो है आसानी से बच्चे का किस तरह खुलेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सही है और बच्चे के अकाउंट पर जो है पैसा आए तो ज्यादा सेफ है। इसके पहले 2 साल के अंदर ऐसा हुआ था कि मैनेजमेंट के अकाउंट पर जो उसका नंबर लिख करके वो भेज दिया जाता था, बहुत से स्कूल वाले तो पूरा डिस्पर्स करते थे पैसा, मगर बहुत सारी स्कूलों के अंदर ऐसा है वो पैसा जो है बच्चों को डिस्पर्स नहीं होता था। जो मैं प्रिंसिपल था मुझे काफी तजुर्बा आया और कई मामला ने कई स्कूल ने दिया और एक मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि मेरिट कम मीन्स का जब इतना ज़्यादा जो है जो नहीं था तो मेरे बच्चे जो है वो एक जगह से बीएड कर रही है, उसका मैंने अपने तौर पे वो फॉर्म भरा। वैसे मैनेजमेंट के लोगों ने कॉपरेट नहीं किया क्योंकि उनका अकाउंट नंबर उसमें देना होता था, उसमें कंपलसरी था वो मैनेजमेंट के अकाउंट में जाए। मैंने फॉर्म भरा, वो स्कॉलरशिप मंजूर हुई, पेपर में भी आ गया और मुझे मैसेज भी आ गया स्कॉलरशिप है, मगर जब मैं उसको हासिल करने गया वो पैसा मुझे नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, 12-13 साल हो गया। तो ऐसे रिपोर्ट जो है बहुत सारे होते रहते हैं, तो ये जो बच्चे के अकाउंट में जो है पैसा जा रहा है ये उसका अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है और अकाउंट खोलने के लिए दुश्वारी अगर आती है तो रहनुमाई भी होगी। फिलहाल जो है अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब जो यहाँ आएंगे, आप जो है इसकी रहनुमाई बताएंगे। हमारे से बहुत बड़ी दिक्कत हमारे तुलबा के सामने आती है वो है बैंक अकाउंट। इस मसले की नौबत ऐसी है कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में भी डिसाइड किया है कि जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलना है, ये पॉलिसी का एक हिस्सा है, लेकिन बैंकिंग पॉलिसी जो है वो उसमें ऐसी कोई वजाहत नहीं की है कि जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला जाए।
बैंक में जाते थे तो वहां क्लर्क से बात करते उम्र बात आपसे कह रहा हूं, बहुत अहम गुजारिश आपसे कर रहा हूं, इस बात का आप
बैंकिंग पॉलिसी के मुताबिक उस अकाउंट को जिंदा रखने के लिए मिनिमम बैलेंस उसकी एक लिमिट है। अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट है, क्योंकि भी पढ़ते हुए 2500 रुपए के तीन सौ उतना मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रहना ही चाहिए। हमारे बच्चे स्कॉलरशिप आती है, जाके जितना पैसा रहता है वो पूरा पूरा विड्रॉ कर लेते हैं। रूल के मुताबिक मिनिमम बैलेंस नहीं है तो उस अकाउंट को हैंग करते हैं। अब अकाउंट जब हैंग हो गया, स्कॉलरशिप मंजूर भी हो गई, वो पैसा बैंक के अकाउंट में नहीं पहुंचने पा, बच्चे के अकाउंट में नहीं पहुंचने पा, कुछ पुस्तक करके वो पैसा बैंक में आके पड़ा रहेगा, अकाउंट पास नहीं होगा, उनके उनके मुताबिक उसको उस पैसे को लोगों को वापस भेज देना पड़ता। आप साइन पर देखेंगे, हेड पर जाएंगे तो आपको इस बात नजर आए कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का अकाउंट में उसका पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलकर बैंक में जमा हो, ऐसा आपको रिमार्क मिले। हम उसका मतलब क्या लेते हैं कि बच्चे के अकाउंट में जमा, जबकि ऐसा नहीं, वो पैसा हमारे में है लेकिन बैंक का अकाउंट बच्चे का अगर एंडिंग पोजिशन में है, यानी तकरीबन ही एक्यूएल बंद है, तो बैंक के अकाउंट में दूर तक तक पैसा पड़ा रहता है, तीन महीने छह महीने जो भी दूर तक। और जब वो बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, पैसा वैसे फिर गवर्नमेंट को वापस। ये दुश्वारी है, ये चिंता का बहुत है। इसके कारण से हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या जरूरी है कि हम बच्चों को यह हिदायत दें कि वो अपने अकाउंट को जिंदा रखें। जिंदा रखने का मतलब मिनिमम बैलेंस उतना पैसा बैंक अकाउंट में रहने ही रहना चाहिए। महीने दो महीने के बाद सिर्फ 100 रुपये बैंक अकाउंट में डाल, महीने दो महीने के बाद वो 100 रुपये विड्रॉ करें। मिनिमम बैलेंस रखने के बाद अकाउंट जिंदा है, उसके लिए तालिबे इल्म को यह चाहिए कि वो जाकर बैंक में कुछ ना कुछ पैसा डाले, कुछ दिन के बाद उसको निकाले, अकाउंट एक्टिव रहे। ये हम काम कर सकते हैं, अपने बच्चों से करवा सकते हैं, हो सकता है उसमें कोई दुश्वारी आए, बाद बच्चे इतने गरीब होंगे उनके लिए 100-200 रुपये भरना ही मुश्किल हो। ऐसे बच्चों को अगर हमारे असाध्यता थोड़ी सी भी सर्वस्थी करें, किसान के तौर पर उनको मुझे देता है ये 500 रुपये रख, तुम ये बैंक में भर और दिला के मुझे रख, दो महीने के बाद वो पैसा कितना होगा, पैसा कितना मुझे ला के रखता, मेरे मुझको वापस, फिर एक महीने के बाद पैसा उसे ले लेगा बैंक में भर, उसी भाव में ला के रखता। ये पैसा लेकर करके हंसने के तौर पर, कर्ज के तौर पर बच्चे के पास एक नेक अमल, गरीबों के लिए पढ़ाई की बात। अभी पिछले दिनों में पूना में हम लोग मैं नाम रहमान सर हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए, वहां पर एक शख्स से निहायत अच्छे ढंग से कोई निशान साफ करके हैं बैठे, उन्होंने कुरान शरीफ की 10वीं आयत पेश करके ये बात बताई कि जहां अल्लाह ने हुक्म लिबास के हवाले से आपको हुक्म दिया, के हवाले के हवाले से आपको हुक्म दिया, नमाज करो, रोजा रखो, जकात दो, ये करो, वो करो, वहीं पर उससे कहीं ज्यादा जोर या उससे कम जोर में ही हुक्म लिबास देना, भूखे को खाने दो, नंगे को कपड़ा दो, मतलब बंदे की आपकी हिम्मत है। ये हुक्म लिबास में बहुत बड़ी बात है। और आप तालीमी कॉल के हिसाब से अगर अपने जेब से या अपने स्टाफ में से ऐसे हजार यकीन है जो 200-500 रुपया अपने किसी गरीब तालीबिल को देकर एक टीचर एक तालीबिल में डाल, जरूरत पड़े तो दूसरे को डाल, तब टीचर अगर थोड़ा सा बच्चे के हाथ पर थोड़ा सा
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।